हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ये सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, मरियम नवाज़ साहब की दरपेशी है और वकला, मैंने MPA ज़ुबैर खालिद साहब, गवर्नर, ये सारे आए हुए हैं। अभी इन्होंने इधर से आना है तो ये सारे दोस्त इधर आए हुए हैं। ये आप, ये छोटे नवाज शरीफ साहब भी खड़े हैं, सलाम करें सर। तमाम दोस्त भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। हाँ हाँ, आज मुख्तरमा मरियम साहब की हेयरिंग हो रही है। हाँ, हम जो है ना पेशी पे आए हुए हैं जी। हाई कोर्ट ने जो है ना बहुत सख्ती की हुई है। हाँ, लेकिन बस क्या करें, पैसे देने पड़ते हैं पुलिस वालों को, अंदर एंट्री होती है, हमको खाना खिलाना पड़ता है कैंटीन में। लेकिन खैर, फिर हम भी पहुँच जाते हैं, वर्कर पहुँच जाते हैं, हम यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मोहब्बत में फिर भी पहुँच जाते हैं, पैसे जी। ये कितने बहादुर आदमी हैं माशाल्लाह, ये इनको कोई रोक नहीं सकता। ये तो कहते हैं ना, हिंद हो या सिंध हो, मोहसिन भाई ने उधर पहुंचना होता है। तो आपको अभी दिखाते हैं थोड़ी देर तक, मरियम नवाज साहब तशरीफ लाने वाली हैं, 12:30 बजे है, बीबी है, दिखाते हैं आपको। थैंक यू। ये जी, इसमें आज डेट थी, अभी मैं भी इसमें पेश हुआ था तो इसमें तारीख पड़ गई है, नेक्स्ट डेट। और आज भी जो मरियम नवाज़ साहबा के और कैप्टन सफदर के एडवोकेट हैं वो नहीं आए, जिसकी वजह से जज साहब ने थोड़ा डांट डपट भी की है और कहा है कि इनको जो है ना फौरी तौर पे आप क्यों नहीं पेश हुए। ठीक है जी, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनको पेश होना चाहिए। और जो नैब के प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने कहा जी ये 10वीं तारीख है जिस पे ये तारीख ले रहे हैं, 10वीं तारीख है जिसके ऊपर ये तारीख ले रहे हैं। और फिर कोर्ट में थोड़ा सा शोर शराबा हुआ तो जज साहब ने कहा जी कि मैं फिर ज़मानत खारिज कर दूं, आप अदालत का डेकोरम जो है वो रखें और इस तरह जो है ना ये अदालत है। तो फिर अताउल्लाह तारड़ साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी सॉरी अंदर ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी कि 10 पेशियाँ हुई हैं तो आप उनको कहें कि अगली पे लाजमी करें, ये पार्ट हर्ट केस है। पार्ट हर्ट केस का मतलब होता है दोस्तों, जो पहले थोड़ा सा जिसकी गई है वो पार्ट हर्ट केस है, जिसकी समाप्त थोड़ी सी पहले हो गई है ना वो पार्ट हर्ट केस होता है। तो अब इसमें जो डेट पड़ी है वो नेक्स्ट पड़ी है, ये 8 तारीख, अगला जो बुध है 8 तारीख, उसमें डेट पड़ी। तो ये सारी मरियम नवाज साहबा की जो है ना वो सहेलियाँ आई हुई हैं, इनको ये आपको दिखाऊँ, ये उज़्मा बुखारी साहबा हैं जी, क्या खैरियत है? ठीक है, चलो ठीक है जी। 8 तारीख ठीक है जी। आपको जो लाइव हमने दिखा दिए तो इंशाल्लाह 8 तारीख को भी मैं इधर हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। ये जी कैप्टन अवान साहब हमारे आगे, लीडर हमारे, मल सर सलाम चले गए। ठीक है सर, ये है मंशा कैप्टन सफदर साहब आ गए, मैडम मरियम साहब आने वाली है।